सबसे पहले हम लोग आईडी यानी सेल को ओपन करेंगे और इसमें हम लोग पाइथन का प्रोग्राम को करेंगे। तो यूजर इनपुट फंक्शन के हेल्प से हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम को बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग फाइल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसके लिए आपको फाइल में क्लिक करना होगा। फाइल मेनू में वहाँ पे न्यू ऑप्शन में क्लिक कीजिए तो आपका एक न्यू फाइल्स आएगा। इसमें हम लोग अपने प्रोग्राम को यहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं नंबर वन इक्वल टू इंट ब्रैकेट इनपुट और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नंबर को यहाँ पे लिखेंगे इंटर द इंटर फर्स्ट नंबर। तो हम लोग इस तरह करके फर्स्ट नंबर का यहाँ पे इनपुट कर लिए। इसके लिए हम लिखे नंबर वन इक्वल टू इंट इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर। इस तरह फिर हम लोग सेकेंड नंबर ले रहे हैं, उसके लिए हम लोग नंबर टू इज इक्वल टू इंट और फिर यहाँ पे इनपुट फंक्शन इनपुट डबल कोट्स में इंटर यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड नंबर और इसको यहाँ से डबल कोट्स में। तभी तो जब प्रोग्राम बनाए उसमें से हम लोग दो नंबर इनपुट किए, नंबर वन में इंटर फर्स्ट नंबर इनपुट किए, नंबर टू में इंटर सेकेंड नंबर इनपुट किए। मतलब नंबर वन नंबर टू दो वेरिएबल्स हम लोग यहाँ पे यूज किए और दोनों में वैल्यू हम लोग यूजर से यहाँ पे लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग सम यूज करते हैं वेरिएबल्स, जिसमें दोनों नंबर को हम लोग यहाँ पे सम करेंगे। सम इज इक्वल टू जो वेरिएबल्स को हम लोग सम कराए थे नंबर वन और सेकेंड वेरिएबल आपका है नंबर टू। अब ये दोनों वैल्यू हम लोग के सम में आ गया। अब इस वैल्यू को देखने के लिए हम लोग यूज करेंगे कौन सा फंक्शन, तो प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन की हेल्प से हम इस वैल्यू को यहाँ पे देखेंगे। मैसेज आते हैं पार्टिकुलर सम इज कॉलन और ये, और वेरिएबल्स का नाम यहाँ पे हम लोग सम लिख दे रहे हैं। लेकिन आप इसको यहाँ पे पहले कॉमा लगा लीजिए, फिर यहाँ पे आप सम लिख दीजिए और यहाँ पे इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। तो इस तरह हम लोग सम फंक्शन को यहाँ पे यूज करके उसके हेल्प से हम लोग इस तरह का प्रोग्राम्स को क्रिएट करेंगे और हम लोग अपने प्रोग्राम को यहाँ पे बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आज देखें कि दो नंबर का प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे। तो नंबर वन में हम लोग इनपुट लिए इंटर फर्स्ट नंबर, नंबर टू में हम लोग सेकेंड नंबर लिए और सम में हम लोग नंबर वन प्लस नंबर टू को यहाँ पे ऐड कर दिए। और प्रिंट फंक्शन में सम इज सम, इस सम आपका जो पार्टिकुलर यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर रहा है और ये सम में आपका वेरिएबल्स जो है ये वैल्यूस आएगा, जो भी यूजर यहाँ पे इनपुट करेगा उसका वैल्यू यहाँ पे आपको आ जाएगा। जिस तरह हम लोग पाइथन के प्रोग्राम में एक न्यू फाइल लेकर हम लोग अपने प्रोग्राम को रन करा सकते हैं, और जैसे आप यहाँ पे प्रोग्राम बनाइएगा अगर आप प्रॉपर वगैरह सही प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका कलर भी आपका हेल्प करेगा। कलर के हेल्प से आपको पता चलेगा कि आपका प्रोग्राम सही आपका टाइप हो रहा है कि नहीं कर रहा है। ये कलर ये आपको अपने प्रोग्रामिंग करने में आपको ये हेल्प करेगा। तो आज हम लोग सीखे कैसे दो नंबर को इनपुट करके और एक सम कर सकते हैं। तो इनपुट फंक्शन के हेल्प से हम लोग दो नंबर का सम को प्रोग्राम किए पाइथन प्रॉम्प्ट में। इस तरह का प्रोग्राम आप बना सकते हैं और अपने पाइथन प्रॉम्प्ट पे रन करा सकते हैं। रन करा कर आप इसका आउटपुट भी देख सकते हैं। तो बहुत ईजी टेक्निक है जिसके हेल्प से आप इस दो नंबर का प्रोग्राम को बना सकते हैं।